बाबा जी का चेला गोवर्धन दास सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों भाई बनिया, आटा कितने से? टके शेर। और चावल? टके शेर। और चीनी? टके शेर। और घी? टके शेर। सब टके शेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्या तुमसे झूठ बोलूंगा? क्यों माई, भाजी क्या भाव? बाबा जी टके से निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके से। सब भाजी टके से? बाबा बड़ा आनंद है, यहाँ तो सभी चीजें टके से। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने से? बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। बाबा बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके से? हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब टके से। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? अंधेरे नगरी। अच्छा, और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह, अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में ही छक जाएंगे। अंधेर नगरी चौपटे राजा, अंधेर नगरी चौपटे राजा। बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई है। देखो बच्चा। वाह वाह बच्चा, इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर ही खाजा है? अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टका शेर ही भाजी हो और टका शेर ही खाजा। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कब हो न की जय बास। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसे अंधेर नगरी में 1,000 मन मिठाई मुफ्त की मिल जाए तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जहाँ 2 पैसा पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगने से भी पेट नहीं भरता, वरन बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा।
देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रुक जाइए। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जा रहा हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो मेरा स्मरण जरूर करना। चल बच्चा नारायण दास। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रुक जाइए।